हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं फिर से टॉप 5 बेस्ट धमाकेदार मूवीज़ का कलेक्शन, जिनको आप फ्री टाइम में बड़े ही आसानी से एंजॉय कर सकते हो। गाइस, ये सारी मूवीज़ जो हैं यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल हैं और हिंदी में डब हैं, और इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और गाइस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। Follow the murderer to London. Let me see if I can get the facts straight. Introduce me. If you break her heart, I'll break your leg. Number 1, Step Up 3D. ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में, और मूवी बेस्ड है डांस एंड म्यूजिकल एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ स्ट्रीट डांसर से, जो कि अपने आप को साबित करने के लिए वर्ल्ड के सबसे बड़े डांस शो में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 की आउट ऑफ 10। नंबर 2, AXL। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में, और मूवी बेस्ड है साइंस फिक्शन और एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है माइल्स नाम के एक लड़के से, जिसको एक रोबोटिक डॉग मिलता है, और वो उस डॉग का ओनर पेयरिंग जो टेक्नोलॉजी होती है वो उसे एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद गाइस मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.3 की आउट ऑफ 10। नंबर 3, कोलेटरल डैमेज। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में, और मूवी बेस्ड है एक्शन और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है आर्नल्ड से, जो कि एक फ्री फायर होते हैं और अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके घर के पास एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है। इसके बाद क्या होता है, आर्नल्ड जिसने भी ये बॉम्ब एक्सप्लोजन किया होता है उसके पीछे पड़ जाता है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 5.5 की आउट ऑफ 10। नंबर 4, द एक्सीडेंटल स्पाई। ये मूवी रिलीज हुई थी 2001 में, और मूवी बेस्ड है एक्शन और कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। गाइस मूवी की स्टोरी शुरू होती है जैकी चैन से, जो कि एक सेल्समैन होते हैं और रातों रात फेमस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ रॉबर्स को रॉबरी करते हुए पकड़ा होता है। इसलिए एक डिटेक्टिव उनको हायर करता है एक केस को सॉल्व करने के लिए। अब गाइस जैकी चैन उस केस को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 8.3 की आउट ऑफ 10। नंबर 5, शंघाई नाइट्स। ये मूवी रिलीज हुई थी 2003 में, और मूवी बेस्ड है एक्शन और कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। गाइस इस मूवी में भी आपको जैकी चैन देखने को मिल जाएंगे। और गाइस बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है जैकी चैन के फादर से, जिनका मर्डर हो जाता है लंदन में। अब गाइस इसी मर्डर का पता लगाने के लिए कि वो मर्डर कैसे होता है, जैकी चैन लंदन जाते हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 की आउट ऑफ 10। गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को जरूर से लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और गाइस अगर आप नए हैं तो यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।